नमस्कार, मैं हूं निशा गई, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिषाचार्य। आशा करती हूँ कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है हम सबसे कि हम 5 तारीख को दीप प्रज्वलित करें और 9 बजे करें रात के, और 9 मिनट तक करें। देखिए, उनकी पूरी कोशिश है कि वो हमारे जीवन से, हमारे देश से अंधकार को मिटाएं, और हमें उनका साथ देना चाहिए। इसमें मैं आपको बताना जा रही हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली ये कनेक्शन जो है कितना सार्थक है और कितना अच्छा है। 5 तारीख जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। बुध जो है हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम के रूप में पाया जाता है। हमारी छाती है वो, हमारा गला है और हमारा नाक है। दिन उन्होंने चूज किया संडे। संडे जो है उसका जो नंबर निकलता है वो 1। सूर्य उसका डे का देवता माना जाता है। सूर्य क्या है हमारे जीवन में? सूर्य हमारे जीवन में सोल के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में रहता है हमारे शरीर में। 9 नंबर जो है वो है मंगल का नंबर। मंगल क्या है? शक्ति है, ऊर्जा है। तो कितना सुंदर एक कनेक्शन बन रहा है शक्ति और ऊर्जा का। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो 159 जो हाउसेस माने जाते हैं वो अग्नि तत्व के हाउसेस माने जाते हैं। तो एक अग्नि तत्व जो है वो हमारे जीवन में उसका वो प्रज्वलित हो रहा है। और अगर उसमें हम दीपों को जोड़ लें तो दीप जो है वो सूर्य के कारक माने जाते हैं, क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है। 159 त्रिकोण हाउसेज होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। शक्ति अग्नि प्रधान ये हाउसेज होते हैं, और मंगल जो है वो शक्तिदायक है, और इन तीनों का समावेश हो रहा है उस समय। अगर हम चाहें तो हम एक बहुत अच्छी सी आपको टिप देना चाहूंगी। अगर मैं इसकी न्यूमरोलॉजिकली फर्दर कैलकुलेशन करूं तो 159 जो है वो फ्रेंडली नंबर्स हैं, मित्र नंबर है। हम जानते हैं कि मित्र हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा अपने जीवन में तरक्की करते रहें। और अगर हम डेट को टोटल करें, 5 + 4 + 2 + 2, तो टोटल आता है 4। 4 जो है वो राहु का नंबर है। राहु देखिए हर जगह विद्यमान है आजकल तो, और वायरस के रूप में राहु सारी दुनिया में फैला हुआ है। और इसी राहु को हमने सूर्य के प्रकाश से दीपक जला के दूर करना है। तो आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि आप जब रात को ये कार्य जरूर करें, क्योंकि हम इससे अपने मन का, अपने देश का अंधकार तो दूर करेंगे ही करेंगे। हम अपने जीवन को प्रकाशमय करेंगे ही करेंगे। हमारे जीवन में शक्ति का संचार होगा, हमारे शरीर में मंगल के रूप में शक्ति का संचार होगा। हमारा जो मंगल जो है, मैं कहूंगी कि अगर आप ये दीपक जलाते हैं तो रिचार्ज हो जाएगा। जिस प्रकार से मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इसी प्रकार से मंगल भी हमारे जीवन में 9 बजे 9 मिनट तक रिचार्ज रहेगा। तो जिन लोगों का डेबिलिटेटेड मार्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिन लोगों का एग्जॉल्टेड मार्स है, क्योंकि आजकल जो मंगल है वो मकर राशि में चल रहा है, अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में उच्च का मंगल है। तो मंगल हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारी बहुत सारी विपत्ताएं मंगल से अगर अच्छा हो तो वो ठीक हो जाता है। तो आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री के कहे अनुसार इस दीपक जलाने में जरूर भाग लें। 9 दीपक जलाएं, क्योंकि हमने अपने मंगल को रिचार्ज करना है। घी जलाएं, क्योंकि सूर्य को रिचार्ज करना है। और उसमें अगर हम थोड़े से काले तिल डाल देते हैं, क्योंकि हमने राहु को दूर करना है। राहु जो हमारा 4 नंबर बन के आ रहा है और वायरस के रूप में सारी दुनिया में फैला हुआ है, अगर वो हम थोड़े से तिल डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये धीरे धीरे जितनी भी ये समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो आप सबसे ये मैं प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप 9 दिए जलाएं घी के रात को 9 बजे, और उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए, काले सफेद तिल डाल दीजिए अगर काले नहीं हैं, और जरूर कीजिए, ताकि हम अपने जीवन को प्रकाशमय करें, अपने देश को प्रकाशमय कर सकें और अपने जीवन में स्वास्थ्य वापस ला सकें।